इस पर मैं एक और वाक्य अभी आपकी खिदमत में रखना चाहूंगा कि जो माँ की दुआ होती है ना, ये इंसान को कहाँ पहुंचा देती है। भाई देखिए, आपके पास डिग्रीज होती है ना, आपके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स आपका मुकद्दर नहीं बनाती। ये माँ बाप की दुआ है जो आपका मुकद्दर बनाती है। मैंने बड़े बड़े डिग्रीज वाले देखे, बड़े बड़े सनद याफ्ता लोग दर पदर फिर रहे हैं। क्या माँ की दुआ साथ नहीं है? बाप की दुआ साथ नहीं है, माँ बाप के नाफरमान है। माँ बाप के जो नाफरमान होते हैं फिर वो दर बदर फिरते हैं। और माँ की दुआ जो है बस हाथ उठते ही एक बड़े मकाम पर ले जाती है। अगर सिद्ध के दिल से दुआ निकल जाए ना माँ के दिल से, तो फिर देखिए आपको कहाँ पहुंचा देती है। इस पर मैं आपको एक वाक्य जो मेरे जहन में आ रहा है, हजरत बायजीद बुस्तामी जो है अल्लाह के बड़े बरगुजीदा वली गुजरे हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी, उन्होंने अपनी माँ से अर्ज़ की, अम्मी जान अगर मुझे आप इजाज़त दें और आप अपने हुकूक मुझ पर माफ़ कर दें तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं रब की तलाश में निकलूँ और रब को मनाऊँ जाके और रब की मार्फत हासिल करूँ, विलायत में आला मकाम हासिल करूँ। तो उनकी माँ जो है वो भी बड़ी मोमिना थी, उन्होंने कहा जा, मैंने हुकूक माफ़ कर दिए, जाओ अल्लाह की राह में निकल जाओ, अल्लाह की तलाश में निकल जाओ। तो हजरत बायजीद बुस्तामी 12 साल जो है वो जंगलों की खाक छानते रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे और रूखी सूखी खाते रहे। 12 साल गुजर गए मगर क्या अल्लाह की मार्फत नसीब नहीं हुई, विलायत नहीं मिली। 12 साल अल्लाह का जिक्र करते करते रहे मगर विलायत नहीं मिली। इन्होंने कहा चलो ठीक है, क्यों ना 12 साल गुजर गए हैं, ये तो सिलसिला चलता रहेगा, क्यों माँ की याद नहीं तड़ पाया ना। इन्होंने कहा जाके माँ की ज़ियारत करना। अब जब ये घर पहुंचे तो रात का वक्त था, माँ जो है इनको ख्याल आया, देखो 12 साल माँ से दूर रहा हूँ, माँ को कुछ दिया तो नहीं है, तो ऐसे नहीं कि दरवाज़ा खटखटाऊं और माँ जो है फिर अपना आराम छोड़कर उठे और उनकी दिल आजारी हो जाए। बस ये ख्याल आया, आप बैठे रहे दरवाजे पर। जब सुबह हुई ना तो फिर आपने दरवाजे पर दस्तक दी, दस्तक दी 12 साल बाद दस्तक दी जा रही थी। 12 साल बाद अंदर से आवाज आई, बेटा बायजीद मैं आ रही हूं। 12 साल बाद भी बेटे की दस्तक पहचान ली कि ये मेरे बेटे ने दस्तक दी है। जब माँ बाहर निकली, माँ ने देखा अब बेटे का क्या हाल था, वो जो जंगलों की खाक छानता फिरा, देखा कपड़े जो है वो फटे पुराने हो चुके हैं और उनके बाल जो थे वो गर्द आलूद हो चुके थे और बिल्कुल वो क्योंकि फाका कशी में मुसलसल वक्त गुजरा, बिल्कुल सूख के और वो तीली और वो रंग उनका बिल्कुल जर्द पड़ गया था। तो ये जब उन्होंने देखा ना तो उन्होंने हाथ उठा लिए, कहा बारी ताला 12 साल मेरा बेटा तेरी तलाश में रहा, अब तक तूने उसे कुर्ब अपने कुर्ब से नहीं नवाजा, 12 साल और अभी तक अपनी मार्फत अता नहीं की, विलायत अता नहीं की। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं बस माँ के हाथ उठने थे, वो 12 साल जो मैं मुजाहिद और रियाजतें करता रहा वो 12 सालों में मुझे न मिला, बस माँ के हाथ उठे अल्लाह पाक ने मुझे विलायत से सरफराज फरमा दिया, मुझे विलायत अता कर दी। क्या माँ की दुआ लेना सीखे। आजकल के बच्चे जो है ना, वो कहते हैं बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए, तो हमारे बच्चे जो है बड़े चालाक हो गए हैं, वो क्या आजकल अपने कामों में बड़े मसरूफ हो गए। जिस बच्चे से पूछो माँ के पास बैठने से कतराता है, माँ बाप को टाइम नहीं दे पाता, क्या कहता है मेरे पास वक्त ही नहीं। भाई तुम्हारे पास सोशल नेटवर्किंग पर वक्त जाया करने के लिए वक्त मौजूद है, तुम्हारे पास फेसबुक के लिए वक्त मौजूद है, व्हाट्सएप के लिए वक्त मौजूद है और तुम्हारे पास मूवीज देखने के लिए वक्त मौजूद है। अगर वक्त नहीं है तो माँ बाप के लिए नहीं है। देखिए जिंदगी एक साइकिल की तरह है, आप वो वक्त याद करें जब आप बच्चे थे। अगर माँ बाप आपको वक्त न देते तो आपका क्या हाल होता, अगर आपको वो चलना न सिखाते तो आपका क्या हाल होता, आपको वो बोलना न सिखाते तो आपका क्या हाल होता। अब वो वक्त था जब आप बच्चे थे, आपके दांत न थे तो क्या माँ आपको खिलाया भी करती थी, पिलाया भी करती थी। अब ये जो बुढ़ापा होता है ना, ये साइकिल फिर के फिर आ जाता है दोबारा से। अब क्या उस वक्त आपकी हड्डियां कमजोर थी, अब आपके माँ बाप की हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं। उस वक्त आपके मुंह में दांत नहीं।